हेलो एवरीवन, क्या आप एक स्टूडेंट हैं और आपके मार्क्स एग्जाम में कम आते हैं? आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिसको कि आप पढ़ करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाए? तो मेरा वीडियो देखिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिनको कि आप यदि सीरियसली फॉलो करते हैं, प्लानिंग से चलते हैं, तो आपके मार्क्स एग्जाम में बहुत अच्छे। तो बच्चों, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना सभी ला सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप देखिए, सबसे पहली जो मेरी टिप है वो है कि आपकी स्पीड अच्छी होना चाहिए। अब आपकी कौन सी स्पीड अच्छा होना चाहिए? आपकी लिखने की स्पीड अच्छी होना चाहिए। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए आप जब भी आप खाली बैठे हैं, आप एक पेपर पेन लेके बैठे हैं और जितने सर्कल्स बना सकते हैं आप स्पीड में, उतने आप सर्कल्स बनाएंगे। जितना फास्ट आप सर्कल्स बनाने लग जाएंगे, आपकी स्पीड जो है वो बढ़ने लग जाएगी। सेकेंड टिप है कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए। कई बार क्या होता है, पूछा राइमिंग वर्ड है और हम लिखने लग जाते हैं सिंगुलर प्लूरल, हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, बार बार पढ़िए, उसके बाद आप उसका सिस्टमेटिक आंसर लिखिए। आपकी जो आंसर की जो शुरुआत होती है ना, वो आपकी लॉजिकल होना चाहिए। आपका पहला स्टेटमेंट ही ऐसा होना चाहिए कि आपका आंसर पढ़ा जाए। आप यदि स्टार्टिंग में कुछ भी लिख रहे हैं जो कि इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, देन इट विल बिकम अ बोरिंग फॉर द इवैल्यूएटर। एंड मेक योर स्टार्टिंग वेरी टिपिकल, टू द पॉइंट, आई मीन टू से टू द पॉइंट होना चाहिए। आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप केवल उतना ही आंसर लिखें। इफ योर क्वेश्चन इज डिस्क्रिप्टिव, यदि हाउ पूछा है कि कैसे हुआ है ये सब, तो फिर आपको डिटेल में लिखना है, राइट? बिकॉज हूएवर इज इवैल्यूएटिंग योर आंसर कॉपीज, दे ओनली रीड फर्स्ट टू थ्री लाइंस एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज लाइंस दे मार्क योर आंसर शीट। थर्ड टिप इज ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन स्टेप्स, वेरी नीट एंड क्लीन, अंडरलाइन द बोल्ड पॉइंट्स सो दैट कि दे विल अट्रैक्ट द फोकस ऑफ इवैल्यूएटर। जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा ना, वो सबसे पहले उन बोल्ड लाइंस को देखेगा, उन बोल्ड लेटर्स को देखेगा, उन अंडरलाइन लेटर्स को देखेगा और वो समझ जाएगा कि बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो रिलेवेंट लिखा है और आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। चौथा इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप हमेशा जब भी आप याद कर रहे हैं, ऑलवेज ट्राई टू लर्न एंड देन write your answers and then check whether you have written them correctly or not, hey? Because spelling mistakes, this is also one of the main reason that you are not getting marks.